एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारे सामने हम तुम्हारा फेवरेट टॉपिक लेके आ चुके, दोनों का फेवरेट है, छोटा सा ही टॉपिक है विच इज एलपीपी। यार ज्यादा कंटेंट था नहीं इसमें, तो तुम भी बहुत सारे परेशान हो रहे थे स्टूडेंट्स, और काफी सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप इतने सारे वन शॉट वीडियोस बनाते हो तो एलपीपी पे भी एक बना दो ना, वहां पे हमें काफी ज्यादा जरूरत है एलपीपी में। तो मैंने कहा ठीक है। अब आज सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अगर तुम बहुत दिन बाद देख रहे हो तो हाँ, आज का दिन होली थी। जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये खड़ा हूं मैं, लगा लो कलर्स जिसने लगाने हैं फटाफट लगाए, और उसके बाद इतना एक्साइटेड था मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कि अच्छे से उतार भी नहीं पाया। सो ये था रीजन, ये रंग बिरंगा सा फेस देखने का। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। पहले ही मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये ना हो कि तुम पूरी वीडियो देख लो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट टॉपिक मिले ही ना, कहीं तुम असाइनमेंट प्रॉब्लम देखने आए तो वो मैंने कराई नहीं यहां पे। उसके लिए पार्ट टू आने वाला है। आज हम करने वाले हैं एलपीपी, जनरल एलपीपी होती क्या है, कैसे दिखाई देती है, कन्वेक्स सेट्स क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद कन्वेक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कन्वेक्स सेट की। ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे जिसको करने का बिल्कुल भी मन नहीं है बट करना पड़ेगा करना तो पड़ेगा ना यार। उसके बाद देखेंगे ड्यूअलिटी और प्राइमल, ड्यूअल और प्राइमल, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम यहां पे कवर करने वाले हैं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। करें स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग, नोटबुक पेन निकाल लो, सबसे पहली हेडिंग लगा लो एलपीपी जल्दी से कि ये होती क्या है भैया एलपीपी। चलो लिखो एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो कभी भी अगर तुम्हें, तो पहले मैं कुछ छोटी छोटी से डेफिनेशंस है वो बता देता हूं, फिर से मैं बता देता हूं वही अपना एक पेज, हाँ एक पेज पे लिख के लाते हैं हम सारा कुछ ताकि हमसे कुछ रह ना जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई भी जनरल अगर तुम्हें एलपीपी लिखनी है उसमें एक चीज होती है जिसे बोलते हैं जेड, कुछ ऐसा दिखाई देता है C1X1 प्लस C2X2 प्लस अप टू सोन CnXn। अभी बताते हैं C क्या है, X क्या है, Z क्या है। इसको ही, ये जो फंक्शन सा दिया हुआ ना इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड, दिस जेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये जो भी चीज है ना, या तो हमें इसे मैक्सिमाइज करना होता है या हमें मिनिमाइज करना होता है। लेट अस से अभी हमारे को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड। तो जेड कैसे मैक्सिमाइज हो पाएगा भैया, C1 C2 C3 से होएगा नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट्स है, तो किससे होगा, किसी ना किसी एक्स की वैल्यू से होगा, वही एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैथ वाले एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां तक हमें बात समझ आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बात करूं तो ये जो x हमारे पास है, दीज आर कॉल्ड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, समेशन CIXI वेयर i रनिंग फ्रॉम 1 to n, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। पूरी जो एलपीपी है वो किस पे चलने वाली है, इस x की वैल्यू निकालने, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भैया सी आई क्या है, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ये हो सकते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या क्या चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसमें, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद अब तो ये हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आ गया, लेकिन एक्स वाई जेड एक्स वगैरह की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसके लिए भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो हमारे पास है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है कि A11X1 प्लस A12X2 अप टू सोन A1NXn इज इक्वल टू B1, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ऐसी हमारे पास इक्वेशंस होने वाली, जरूरी नहीं है यहां पे इक्वल का साइन हो, यहां पे इन इक्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसी हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 अप टू सोन A2NXn B2। ऐसे अगर हम चलते जाएंगे तो An1X1 प्लस An2X2 प्लस AnnXnBn, ऐसा कुछ चल जाएगा। ये हमारे पास बन गई चीज जिसको मैं जनरल फॉर्म में भी लिख सकता था, बट ठीक है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, ऐसी फॉर्म में AX इज इक्वल टू बी। मैं अभी फिलहाल के लिए इक्वल का साइन लेके चल रहा हूं, बट यहां पर इनइक्वालिटीज भी आती है, ठीक है। बी क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, एक कॉलम। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वो X1, X2, X3 अप टू सोन XN। ए हमारे पास क्या आ जाएगी, ए हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी A11, A21 अप टू सोन AN1, ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ है हमारे पास।
पक्का समझ गए? ठीक है। क्या भैया ये हमेशा n ही इक्वेशंस होंगी अगर n वेरिएबल्स है? जरूरी नहीं है, n इक्वेशंस n वेरिएबल्स हमेशा जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे भैया, वो धीरे धीरे बताते हैं, ठीक है। पहले मैं इनके थोड़ा सा और नामकरण कर देता हूं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। इस ए को क्या बोलते हैं? दीज ए आर स्कोर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कोफिशियंट्स। थोड़ा सही से लिखते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन कोफिशियंट्स। यहां तक कोई इशू? बढ़िया, समझ आ गया। बी को लिखो, ये बी क्या होते हैं हमारे पास? दीज आर कॉल्ड रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ jth कंस्ट्रेंट। फिर से बता देता हूं, कंस्ट्रेंट का मतलब यहां पे इनइक्वालिटी का साइन भी आ सकता था, ठीक है, वो तो मैंने लगा दिया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेस देन इक्वल का साइन है, ऐसा कुछ तो ऐसा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे तुम्हें नाम बता दिए हैं, कुछ रह गए हैं तो? नहीं रह गए हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है? अब हमारे पास यहां पे सेट ऑफ इक्वेशंस बन चुकी है, इसके कुछ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन भी आएंगे, उसी को ही हम बोलते हैं सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। अब भैया सॉल्यूशंस तो आपने बता दिए, ये बताओ कि हमने कभी कभी वर्ड सुना है फिजिबल सॉल्यूशन, वो क्या होता है? इसे नोट कर लिया ना? चल सो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं। तो जनरली लिखने का तरीका हमारे पास होगा, पहले तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा हमें चीज को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसके बाद समेशन सी आई एक्स आई, ऐसा कुछ लिखते हैं इसे। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्की बात, ठीक है। ये हमारे पास हमने लिख दिया है। अब जनरल अगर मैं उन इक्वेशंस को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करना चाहता हूं मैक्सिमाइज की, ठीक है, ऐसा कुछ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जितने भी एक्साइज होने वाले हैं इस पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। अब यहां पर कुछ डेफिनेशन आती है, जैसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि जितनी भी तुम्हारे पास एक्साइज की वैल्यू आ जाएंगी यहां से इक्वालिटी रखने के बाद, इक्वेशंस तो तभी सॉल्व कर पाओगे ना, अगर तुम इस लेस देन इक्वल टू का साइन उड़ा दो, इसकी जगह इक्वल का लगा दो, और जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे और जितने भी हमारे पास वैल्यूज मिलेंगे एक्स आईज की, वो सारे क्या होने वाले हैं? सॉल्यूशंस। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसे वीडियो को पोस्ट करके। इसके बाद हमारे पास आते हैं फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास होता है कि सेट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशंस विच ऑल्सो सेटिस्फाई, मतलब सॉल्यूशन तो है लेकिन उसमें एक और कंडीशन लगा दो, विच ऑल्सो सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ये एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला भी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम चले, हमारे पास सॉल्यूशंस मिल गए, उसमें से हमने फिजिबल सॉल्यूशन छांट लिए। उसके बाद अगर मैं इसी का ही सेट ले लूं, सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मेरे को मिल चुके हैं, उसी का ही मैंने एक सेट निकाल लिया, तो उसी सेट को हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। यहां तक समझ आ गई? अब इसमें से भी फिजिबल सॉल्यूशन में हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए, उसमें से भी मैंने वो वैल्यू उठा ली जो कि इसको मैक्सिमाइज कर रहा, मतलब एक्स की वैल्यू रख के देखी यहां पे, ऐसी मैंने चीज देखी जो इसको मैक्सिमाइज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बहुत, मान लो हमारे पास ना तीन पॉइंट है, 2.3, 1.2, 2.6, हमने देखा है 2.6 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही जेड की, तो यही तो चाहिए थी हमें, मैक्सिमाइज ही तो करना था। तो बस उसी सॉल्यूशन को हम इसमें से भी क्या कहते हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो लिखो नेक्स्ट, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां तक देख लो, यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें कोई भी इशू नहीं होने वाली है। मैं मैक्सिमम डेफिनेशंस तुम्हें लिखवा चुका हूं। और नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है विच इज कन्वेक्स सेट। थोड़ी सी डेफिनेशन है फिर हम क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं। कन्वेक्स सेट,
कन्वेक्स सेट क्या होता है? कन्वेक्स सेट बस ऐसे समझ लो, सिंपल से डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें लिखवाना चाहूं, फिजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी, फिजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज ऑलवेज अ पॉलीहेड्रल, इज ऑलवेज अ पॉलीहेड्रल फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी इज ऑलवेज अ पॉलीहेड्रल कन्वेक्स सेट। भैया सिर के ऊपर से निकल गई बात, मजा नहीं आया इसमें तो बिल्कुल भी। मैं बताता हूं, कन्वेक्स सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें तुम कोई भी दो पॉइंट के बीच में लाइन खींचो वो उसी शेप में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्क है, ये डिस्क है, तुम इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी के बीच में आई ना, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स। अगर तुम बात करो एक रिंग की, तो रिंग में एक पॉइंट तुमने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया जहां पे अलाउड है, तुमने इसकी लाइन ड्रॉ करके देखी तो इसका मतलब नहीं आ रहा है यहां पे, इस शेप पे नहीं लाई कर रही है, तो इसका मतलब नॉन कन्वेक्स, नॉन कन्वेक्स ऐसा कुछ। ठीक है, मेरे पास और भी एग्जांपल हैं इसके, जैसे कि हमारे पास ये शेप आ सकती है। अभी मैं तुम्हें इक्वेशंस भी लिख के दिखाता हूं कि इक्वेशन में मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो ज्योमेट्रिकली हो गया। मान लो कुछ ऐसा है, मैंने दो पॉइंट एक यहां से लिया एक यहां से लिया, इसको ज्वाइन किया, बात नहीं बनी। देखो अगर तुम ध्यान से, तो ये फिर से नॉन कन्वेक्स आ गया। तो कन्वेक्स हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन कन्वेक्स कैसे होते हैं, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ कराने वाला हूं, दो मिनट दो बस मुझे। सो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू सी, तो अगर x1 x2 c में आ रहा था, एक स्ट्रेट लाइन bc में आनी चाहिए, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसे 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू c, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे पहला एग्जांपल मेरे को जो बढ़िया सा लगा वो ये था कि a इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है x1 x2 का, सच दैट x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, बताना इसमें क्या होगा, x1 x2 less than equal to 1। कुछ नहीं कह रखा कि x1, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, है ना, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की ये बात करना चाह रहे हैं, तो बताओ जल्दी क्या होगा, कैसी शेप बनेगी, पहले तो शेप बताओ, फिर बताना है कि ये कन्वेक्स होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। भैया शेप तो हमें समझ आ गई, जब भी x y इक्वल टू वन बाय x टाइप का होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे शेप बनते हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे होगा, एक यहां पर बनेगा, तो एक रीजन आया हमारा ये वाला और एक रीजन आया हमारा ये वाला। अगर मैं एक पॉइंट यहां से उठाऊं, ये एक पॉइंट यहां से उठाऊं, दोनों को ज्वाइन करूं, तो इसमें क्या लाई कर रही है ग्राफ में, नहीं ना, तो इसका मतलब हमारे पास यार दिस इज नॉन कन्वेक्स, नॉन कन्वेक्स। अब नेक्स्ट सुनो, मान लो मैंने यही सेट लिया x1 x2 points such that x1 x2 less than equal to 1, ठीक है भैया, also x1 and x2 is greater than equal to 0, पहले क्वाड्रेंट में आ गए, अब बताओ कन्वेक्स होगा कि नहीं होगा। तो जब भी हमें कन्वेक्स की चेक करना होता है, कन्वेक्स कन्वेक्स सेट का जब भी चेक करना होता है हमें प्रॉपर्टीज को, हम सिंपल उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, खींच के देखते हैं लाइन बन गई, ठीक है उसी सेट में आ गई तो ठीक है, वरना नॉन कन्वेक्स है। इसमें बताओ, इसमें तो हम पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, भैया शायद इस बार हो सकता है, मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं हो सकता। देखो यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से एक पॉइंट लिया, ज्वाइन किया, नहीं बनी बात, समझ रहे हो। अगर मैं इसी की जगह ऐसे ले लेता, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ले लेता, तो क्या होता भैया, अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लेते तो रीजन इस बार ये वाला आ जाता, इस बार अगर ये वाला रीजन आ गया तो बताओ ये कन्वेक्स होने वाला या नहीं होने वाला, जल्दी से सोच के बताओ। कोई भी दो पॉइंट लो और मेरे को सोच के बताओ कि ये कन्वेक्स है या फिर नहीं है, जल्दी से बताओ कन्वेक्स है या फिर नहीं है। हाँ मैंने इसके साथ वो भी लगा दिया, ये कंडीशन भी लगा दी है, तो ये कन्वेक्स होने वाला, देखो कोई भी दो पॉइंट ले लो इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं, फिर
भैया ये फिर से नॉन कन्वेक्स बन जाएगा क्योंकि इस बार शेप इधर भी आ जाएगी, तो इधर भी हमारे पास ग्राफ आएगा, यहां से एक पॉइंट लो, यहां से एक पॉइंट लो, नहीं लाई कर रहा टोटली ग्राफ के ऊपर। तो अगर टोटली ग्राफ के ऊपर अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं तो बात बन रही है, लेकिन अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं तो वो नॉन कन्वेक्स बन रहा है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। और बढ़िया यार, ठीक तो है, मुश्किल थोड़ी था। सो आई होप कि तुम्हें यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। ग्राफिकल पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी और चीज बता देता हूं, विच इज कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अभी भैया कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? कुछ ना कुछ तो भैया कॉम्बिनेशन जैसे ही होगा। और मैथ में जब भी कॉम्बिनेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है ना। बस समझ गए फिर तो तुम, अगर ये सोच पाए थे तो फिर तो तुम इंटेलिजेंट हो मेरे जैसे। मैं नहीं वेट करता हूं कि कोई तारीफ करे, खुद कर लेनी चाहिए, ठीक है? आजकल लेसन है ये, खुद की तारीफ कर लो, वेट मत करो। तो इफ x इज अ वेक्टर एंड रिटन एज x इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 अप टू सोन cn xn, तो कहना क्या चाह रहे हो भैया आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इफ एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स आईज सच दैट समेशन ऑफ सी आईज इज इक्वल टू 1। इनका जो समेशन है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। शायद ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम ही तो 1 होता है, बस वैसा ही कुछ है। तो अगर इसका सम हमारे पास 1 है कोफिशियंट्स का, देन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, देन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, अरे 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 मैं बताता हूं, कंफ्यूज मत हो यार, ये तो वेरिएबल्स है ना, इसके साथ इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी लगा दी होगी, इसीलिए शायद प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, है ना, फिर ठीक है। देन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, समझा? पक्की बात? देख लो, रिजल्ट्स पे चलते हैं। 3 एकदम जोरदार गर्मा गर्म रिजल्ट है। तो ऐसे हमारे पास की फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, फिजिबल रीजन जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, जो कि फिजिबल सॉल्यूशन लो, उसको एक डिब्बे में डालो, वो सारे के सारे जो डिब्बे में तुमने फिजिबल सॉल्यूशन डाल दिए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। तो पहला पॉइंट यही आता है कि फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी इज अ कन्वेक्स सेट, मतलब कोई भी दो लाइनें खींच लो तुम फिजिबल रीजन में, उसी रीजन में आने वाली है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन वाला लिख लो, यूनियन का भी है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कन्वेक्स सेट्स इज अगेन कन्वेक्स, मतलब तुम कन्वेक्स सेट्स लो, उसका इंटरसेक्शन ले लो, तब भी वो क्या आने वाला है? कन्वेक्स सेट ही आने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, कराएंगे भी तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स मे और मे नॉट बी कन्वेक्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स मे नॉट बी कन्वेक्स। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये आता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि एम्प्टी सेट इज कन्वेक्स सेट। एम्प्टी में तो क्या ही लाइन ड्रॉ कर पाओगे तुम, है ना। तो ये है हमारे पास, इसके बाद आज की लास्ट डेफिनेशन आ रही है, इसके बाद मैं डेफिनेशंस थोड़ी सी खत्म करता हूं और तुम्हें क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं, फिर तुम भी बोलोगे भैया क्वेश्चन तो आपने करा ही नहीं, बस इसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। लास्ट हमारे पास है एक्सट्रीम पॉइंट्स, बस ये डेफिनेशन एक लिख लो कि हमारे पास अगर कोई भी एक पॉइंट है जो कि सेट में आ रहा है कन्वेक्स सेट में, और अगर मैं इस सेट से अगर मैं इस पॉइंट को इफ पी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन एंड इसे ऐसे लिखो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ एस सेट एस।
भैया सिर के ऊपर से निकल गई बात, बढ़िया बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। तो यहां पर अगर तुम कोई भी पॉइंट लेके चलो एस में से, एस क्या है, एक कन्वेक्स सेट, अगर तुमने वहां से एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट उस पॉइंट को अगर तुम दो पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सको या फिर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख सको, लीनियर कॉम्बिनेशन और कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन तो यार किसे भी कह लेंगे ना, कोई भी एक्स रखो, कोई भी सी रखो, कोई भी लिमिटेशन, कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर तुम लीनियर कॉम्बिनेशन की जगह कन्वेक्स कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो तो उसका मतलब है समेशन ऑफ सी आई तुम्हें क्या जबरदस्ती लेके चलना पड़ेगा, वन, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं यहां पर हम प्रोबेबिलिटीज रखना चाह रहे हैं कि इसकी एक्स वन की प्रोबेबिलिटी इतनी है, एक्स टू की इतनी है, समझ गए ना? फिर ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बस अब हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, ग्राफिकल, और फिर करेंगे सिंप्लेक्स, और फिर ड्यूलिटी और प्राइम, और खत्म हो जा रहा है यार। इतना छोटा सा सेशन था, क्या तुम भी डर रहे थे इससे, एलपीपी से? कुछ भी नहीं था इसमें। चलो लिखो ग्राफिकल सॉल्यूशन, देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पर पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है कि मैक्सिमाइज z is equal to 3x plus में 4y subject to constraint। constraint हमें क्या दी है कि restrictions भी कुछ दी है कि जो मर्जी कर लो हम तुम्हें 80 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाले, ऐसा कुछ, ठीक है। और दूसरे पेरेंट्स कह रहे हैं जो मर्जी कर लो हम तुम्हें 120 से ज्यादा नहीं देने वाले। और नेक्स्ट हमारे पास वो तो रहेगी ही कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन रहने वाली। इन्होंने कहा है बताओ कि ऐसी कौन सी एक्स वाई, मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया खर्चा कब हो सकता है, मतलब सबसे बेस्ट क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पैसों को। तो हमें यहाँ पे एक्स वाई की, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, ये कहा नहीं है क्वेश्चन में, तो खुद से मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहां पे x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें डालनी है, x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिन्हें हम फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं, है ना, और उसमें से एक सॉल्यूशन सिलेक्ट करेंगे जिसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो लेट अस डू दैट, स्टार्ट करें, चलो चलो। सबसे पहला काम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 2x plus में 2y is equal to 80, 2x plus में 4y is equal to 120। अगर मैं साइंस इसके चेंज कर दूं तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन तो यहीं से ही दिख जाएगा, विच इज 0 माइनस 2y माइनस के 40, इससे ज्यादा स्लो मैं नहीं करा पाऊंगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। अगर y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 2y प्लस में 40 इक्वल टू 80, तो y इज ऑल्सो इक्वल टू 20। मेरा तो ये आ रहा है 20 20, मेरा ये आ रहा है, बाकी चेक कर लो, कोई गड़बड़ ना कियो। भैया एक ही पॉइंट से ग्राफ कैसे बनाओगे? नहीं नहीं रुको, तो परेशान क्यों हो रहे हो? एक पॉइंट तो हमारे पास बड़ा इजी सा होता, देखो इसमें अगर मुझे निकालना ना तो क्या करो, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y आ जाएगा 40, यहां का ही मान लेते हैं 40। अगर मैं मुझे कुछ नहीं, ठीक है, मेरे को लगा कि ग्राफ और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो अगर मैं y x को 0 पुट कर रहा तो y 40, और y को 0 पुट करूंगा तो x 40, तो मेरे पास देखो एक इक्वेशन बन भी गई। बस जहां बनिया वहीं लगा देंगे हम, तो चलो बढ़िया। अब वापस आते हैं, अब दूसरी वाली इक्वेशन पे आते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन देखें तो इसमें ये रही, इसमें x को 0 पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा 30, और अगर मैं y को 0 पुट करूं तो आ जाएगा 60। तो थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, यहां कहीं ग्राफ आ जाएगा हमारा, तो एक इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास 2x plus 4y equal to 120, ये इक्वेशन है हमारे पास 2x plus में 2y equal to 80। चलो ये इक्वेशन हमारे पास हमें दिखाई दे रही है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? मतलब हमें ये पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट भी पता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 20 20। अरे अभी तो निकाला था इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, समझे? फिर ठीक है। तो अब हमारे पास ये कहना चाह रहे थे दिस इज लेस देन इक्वल टू, इनका कॉमन रीजन निकालना है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये रीजन आएगा, ऊपर जाना है हमें इससे, इस इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन दिख रही है इसके इधर आना है तुम्हें, इसके भी इधर आना है, इसके भी इधर आना है, इसके भी इधर आना है, तो कॉमन रीजन निकाल लो, ये रहा कॉमन रीजन, ठीक है।
ठीक है। तो इस कॉमन रीजन के अगर मैं पॉइंट्स देखूं तो मेरे को चार पॉइंट मिल रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं ये जो रीजन हमें दिखा है इसके देखूं मैं कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स है जिससे कवर हो रहा है, तो मेनली मुझे सॉल्यूशन दिख रहे हैं। एक तो ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा विच इज 0.30, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है 20.20, तीसरा पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है 0.0, और नेक्स्ट पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है 0.40। चलो ये हमारे पास आ चुका है। Z की वैल्यू निकालो 0 और 30 के लिए, 0 और 30 डालूंगा तो 120, ठीक लिखा ना मैंने, फिर ठीक है। अगर मैं 20.20 डालता हूं तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 80 जो कि होता है 140। 0.0 पे 0 और ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 40.0 और 40.0 अगर हम डालेंगे तो Z हमारे पास आ रहा है 120। तो मेरे ख्याल से दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो Z की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दिख रही है 140 और वो किस पॉइंट पे आ रही है 20.20 20 पे आ रही है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 20.20, 140 इज द फाइनल आंसर। एक और करें क्या क्वेश्चन, एक और करें अब? लेकिन एक काम करते हैं ना यार, मैं तुम्हें एक पहले होमवर्क तो दूं, अभी के अभी ट्राई करना वीडियो पॉज करके। तो कुछ ऐसे है ये कि ऑप्शंस रहने देते हैं अभी के लिए, 2x + y < 20 और x + 2y < 20 अगेन और xy > 0। चलो इसका आंसर तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसे करना होता है इसे, बड़ा सिंपल। पहले तो तुम एक बक्सा बना लो दोनों इक्वेशन का। इसके लिए बनाओगे एक्स वाई, तो एक बार x को 0 पुट करो तो y 20, y को 0 पुट करो तो x 10। एक बार दूसरे वाले के लिए भी बना लो एक्स वाई, इसके लिए बनाएंगे तो x को 0 y 10 और y को 0 x 20, इक्वेशंस बन जाए, वो ग्राफ बन गया। इसके बाद इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना ये वाला। जो भी तुम्हारे पास ऐसे ही चार पॉइंट्स मिलेंगे उसको z में रख के देखना। z तो मैंने दिया नहीं यार इस क्वेश्चन में, तो x + 3y, ठीक है। आज जो भी यहां पे एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी उसको तुम उठा के जेड में पटक देना और उसके बाद जो भी मैक्सिमाइज कर रहा हो जिससे सबसे बड़ी वैल्यू हुई वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। बहुत बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें अब एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा, एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा विच इज 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका नाम नहीं है, ये मैंने अभी अभी इजाद करा है ये नाम, 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन, तो लिखो इसे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर तुम यहां पर देखो तो मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखा है। ये हमारे पास 3 इक्वेशन इस बार दे रखी हैं, इनको ये 3 है, 1, 2, 3, ये हमारे पास जो दे रखे हैं इनइक्वालिटीज, इन्हें हमें सॉल्व करना है, वो रीजन निकालना है, फिजिबल रीजन, उसमें से पॉइंट्स आएंगे, फिर देखना है किस पॉइंट्स पर हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने वाला है। सॉरी मैक्सिमाइज ही दे रखा, तो मैक्सिमाइज किस पे होने वाला है, आंसर कुछ ऐसे होने वाला है x1 x2 और z कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस पे हमें टिक लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर विच इज, सबसे पहला काम हमारा ग्राफ का ही होता है तो मैं डायरेक्ट इस बार ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं x = 4 की बात करूं, इक्वल का साइन लगा दो पहले, बाद में देखेंगे रीजन के लिए इनइक्वालिटी। x1 = यहां पे x1 ले लेते हैं, यहां पे x2, x1 = 4 हमारे पास यहां पे आ जाने वाला है, x2 = 6 हमारे पास यहां पे आ जाने वाला है। लास्ट लाइन को देख लेते हैं, अगर मैं x1 को 0 पुट करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, तो इससे तो थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा ग्राफ, यहां कहीं 9, ये आ जाएगा 0.9, और अगर मैं x2 को 0 पुट करूं तो ये आ जाएगा 6, तो 6 हमारे पास आ जाएगा यहां पर 6.0, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, दोनों को मिला दो, ये हमारे पास पहुंच चुके हम। यहां तक बताओ कोई इशू है तो, सारा लेस देन साइन ही है तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा कुछ ऐसा, और ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे ही रखे थे, ठीक है भैया मान लेते हैं आपके। एक पॉइंट मेरे पास ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं वो लिख लो। मेरे पास 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, पांचों को मैं लिख लेता हूं। एक हमारे पास आया, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज 0.6, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 0.0, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 4.0, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पता नहीं, उसके बाद आ रहा है पता नहीं, तो पता कर लेते हैं, है ना। कौन सी वैल्यू है ये, x = 4 इसमें डाल दो, x1 = 4 इसमें डाल दो, तो हमारे पास आ जाएगी 3 × 4 प्लस में 2x = 18, तो हमारे पास आ जाएगा 12, 12 उधर जाके माइनस के 6
मतलब प्लस के 6/2 विच इज 3, मेरे ख्याल से तो आ जाएगा 4.3। चेक कर लो एक बार, मेरा तो ये आ रहा 4.3। ठीक है, दूसरी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू इस बार तुम्हें डालनी है 6। वाई की वैल्यू अगर तुम 6 डालोगे तो 3x1 प्लस में 2x6 इज इक्वल टू 18। 3x1 इज इक्वल टू फिर से 6x1 की वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है 2। तो 2.6। चलो एक मेरे पास आया है 4.3, एक मेरे पास आया है 2.6। जेड की वैल्यू जल्दी से निकाल लो, सब पे क्या आएगी, जिस पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारा आंसर है। जल्दी निकाल लो फटाफट, सिंप्लेक्स रहेगा इसके बाद, उसमें आएगा ना मजा, रोने निकाल देंगे तुम्हारे, रोने लग जाओगे उसमें तुम, शायद भाई पढ़ाएगा फिर थोड़ी, है ना। चलो अगर मैं 0.6 डालू तो आंसर आ रहा है 30, अगर मैं 0.0 डालू तो 0, 4.0 डालू तो हमारे पास आ जाएगा 4.0 कहां पे है वैसे हमारे पास, ये रहा 4.0, तो ये अगर हम डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12। अगर हम 4.3 डालते हैं तो ये आ जाएगा 3x4 प्लस में 5x3 विच इज 12 और 15 27। नेक्स्ट अगर हम 2.6 डालते हैं तो 6 प्लस में 30 विच इज 36। ऐसा कोई ऑप्शन है 2636, ये रहा फाइनल आंसर, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, 4.6 जैसा तो कोई पॉइंट आया नहीं हमारे पास। तो आई होप कि एक पार्ट हमें समझ आया हो, इसका एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें कराना चाहूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू दिस, और यह मैं तीन कंडीशन दे रखी है और ये ऑप्शन दे रखे 1, 2, 6 और नो फिजिबल सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक मैंने ऐसा क्वेश्चन भी लिया ताकि हमारे को क्लियरिटी हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सबसे पहला अगर तुम इक्वेशन देखो, सबसे पहले नहीं, मैं पहले दूसरी देखता हूं, दूसरी इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन रखोगे y इक्वल टू x आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिसमें अगर तुम ध्यान से सोचो तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू 0-0 रखोगे तो सेटिस्फाई हो रही है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए इसका रीजन। और अगर तुम दूसरे वाला देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक्स को 0 पुट करना तो वाई आ जाएगा 1, है ना, यहां कर लेते हैं थोड़ा सा, वाई आ जाएगा 1, और अगर तुम वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा -1, इनको अगर तुम मिला दोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है ना, और इसमें अगर तुम 0-0 पॉइंट रखोगे तो 0 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1, है ना, 0 तो बड़ा है ना -1 से, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ ना जाके ये इधर जा रहा होगा। अब दोनों का कुछ कॉमन पार्ट आया ही नहीं यार, दोनों का कुछ कॉमन पार्ट आया ही नहीं, क्योंकि इनका कोई कॉमन पार्ट ही नहीं आया, इसका मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहां पे ध्यान से देख लो कि यहां पर नो फिजिबल सॉल्यूशन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। आई होप कि ये तुम्हें समझ आया हो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराना चाहूंगा अब सिंप्लेक्स मेथड का, मतलब कहने का क्या है, कुछ ऐसा ही करेंगे लेकिन एक न्यू मेथड से। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहां पर सिंप्लेक्स मेथड की तरफ, तो सीट की पेटी बांध लो क्योंकि अब बढ़िया सा है कि यहां पर मेथड आने वाला है, नाम सिंप्लेक्स है, बाकी तुम्हें अभी पता लग जाएगा कि बहुत ज्यादा ही सिंपल है ये, बस ऐसे ऐसे हो जाएगा ये, तो हमसे कुछ नहीं है इसमें। ये हमारे पास सबसे पहले तो इसमें क्या करना होगा, इनमें ना मेथड को यूज करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ता है, मतलब जो इनइक्वालिटी है ना इसको इक्वालिटी में बदलना है। तो मैं लिखता हूं यहां पे मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस में 3x2, दो वेरिएबल और चाहिए लेकिन ऐसे तो ऐड नहीं कर सकता, तो लिख लो 0x3 और 0x4, ऐसे थोड़ी रैंडमली कुछ भी ऐड कर देंगे ना। अब इस इक्वेशन को मैं चेंज कर सकता हूं 3x1 5x2, क्योंकि ये वाली साइड छोटी या इक्वल है, इससे मेरे को इक्वल ही बनानी है, तो एक वेरिएबल ऐड कर दो 1x3 प्लस में 0x4 ताकि थोड़ी सी सिमेट्री बनी रहे। ऐसे ही 5x1 प्लस में 2x2 प्लस में 0x3 प्लस में 1x4 इज इक्वल टू 10। भैया ये क्या करा आपने, मैंने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाने की कोशिश की और कुछ 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 भी नहीं करा, बस समझ गए, फिर ठीक है यहां तक पहुंचे पक्का। हाँ, इसके बाद हमें क्या करना होता है, मेन कहानी अब स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉलम्स तुम्हारे लिए बनवाना चाहूंगा, वो हमारे पास क्या है, सीबी, रुको ऐसे लिखो सीबी एक्सबी, अब ठीक है सीबी एक्सबी बी या स्मॉल बी लिख लो, इसे स्मॉल बी x1 x2 x3 x4 मिनिमम रेशियो, ये हमेशा तुम्हें बनानी है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, यही इसी से ही होता है, यही है सिंप्लेक्स मेथड।
ठीक है, ध्यान से देखना यार, बढ़िया सा एकदम। अगर मैं यहां पे पहले इधर देखना चाहूं ये XB में क्या आएंगे, तो यहां पे वो वेरिएबल आते हैं जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किए X3 X4। हमें क्या करना है, इन X3 X4 को हटाना है और यहां पे X1 X2 बनाना है, बस यही है इस मेथड में, और कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करना है, B की अगर हम वैल्यू देखें तो 15 और 10 है, X1 के कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास यहां है X1 का है 3 5 1 0, यहां पे हमारे पास है 5 2 0 1, अभी मिनिमम रेशियो पे आएंगे। यहां तक समझ आ गया? फिर उसके बाद हमें क्या करना है, CB लिखना है। CB मतलब इनके कोफिशिएंट्स क्या थे, तो यहां इसका कोफिशिएंट था 5, इसका था 3, इसका था ये दे रखा ऊपर देखो टॉप पे 5 3, ये रहा 5 3 0 0, ये मैंने लिख लिया। फिलहाल के लिए मेरे को इनके कोफिशिएंट चाहिए जो कि थे 0 0। ध्यान से देखना मेथड क्या है, मेथड हमें कहता है 0 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, 0 को इससे करोगे तो 0, और दोनों को प्लस कर दो 0, 0 × 5 + 0 × 2 0 0 × 1 + 0 × 1 0 फिर 0। ये क्या कर रहे हो भैया आप, सीखते जाओ, अभी सीखते जाओ, अभी सीखने वाला पार्ट है तुम्हारा। इसे हम बोलते हैं ZJ, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या आता है CJ, कैसे करते हैं भैया इसे आप, CJ को कैसे करेंगे, CJ करना है बड़ा आसान है। ये कोफिशिएंट तो लिखने, तो मुझे ऊपर दे रखे, यही होते हैं CJ, ठीक है, कुछ ऐसा 5, ये CJ होता है, ठीक है, लिख लेना CJ 5 3 0 0। नेक्स्ट स्टेप होता है ZJ माइनस CJ, तुम्हें निकालना होता है, जो कि हमारे पास आ जाएगा -5 -3 0 0। अब ध्यान से देखना, मेन स्टेप अब आ रहा है, बताओ सबसे छोटा कौन सा है, हमें क्या देखना होता है इसमें, सबसे छोटा, सबसे छोटा भैया हमें दिख रहा है -5, इसका मतलब है ये जो -5 है ये वाला हो जाएगा हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल, आने वाला वेरिएबल, एंट्री। अब इसकी होगी एंट्री, एग्जिटिंग किसकी होगी भैया, इन दोनों में से एक तो जाएगा तभी तो ये आएगा, कुर्सियां तो दो ही हमारे पास, तो ठीक है कोई बात नहीं, मिनिमम रेशियो पे चलते हैं। मिनिमम रेशियो हमें क्या कहती है कि जो भी हमें यहां पर दे रखा है बी के डिवाइड में जो भी एंटरिंग वेरिएबल है उसे लिखो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, मतलब 15 / 3 विच इज 5, ऐसे ही 10 / 5 हमारे पास आ जाएगा 2। अब फिर से इसमें छोटा देखो, छोटा हमारे पास ये है, इसका मतलब X4 की एग्जिटिंग होगी, X4 जाएगा X1 आएगा, X4 जाएगा X1 आएगा, X4 जाएगा X1 आएगा। जल्दी से इसे बोलते रहो 10 बार, और तब तक मैं इसे रब करके, और अब ठीक है बढ़िया, बाकी मैं यही वाला जो तामझाम है ना ऊपर लिखने वाला, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा X3 X4 था ना, अब आ जाएगा X3 X1, ठीक है। इसके कोफिशिएंट देखो, X3 का तो अभी भी 0 है, X4 का क्या है 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक यूनिट मैट्रिक्स दिख रही थी, मुझे जैसे तैसे करके ना यहां पे यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, देखते जाना क्यों, क्योंकि मेरे को तभी ये वाले वेरिएबल्स जो है वो बचेंगे। अरे यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी X1 X3 को करोगे, ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं, 1 0 0 1, ऐसा अगर मान लो कुछ बन गया हमारे पास, ऐसा कुछ बन गया 0 1 1 0, और यहां पे है X1 X2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक आएगी X1 की वैल्यू और दूसरी आएगी X2, रुको पहले में क्या आएगा X1, दूसरे में आएगा X2, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। तो जैसे तैसे करके मेरे को यहां पे ना पता क्या बनाना है, 0 1 1 0, एक एक स्टेप करके बनाएंगे, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी उठा के लिख दिया, देखते जाओ बस मेथड को मैं क्या करने वाला। इसको मेरे को, मैंने गलती से ना ब्रैकेट गलत लगा दी, इसको बनाना X1 X2 वाले को। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमारे को नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पूरी इक्वेशन को क्या बनाना था, 1, कैसे बनाया 1, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो बनेगा 2, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2/5, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1/5, मिनिमम रेशियो का पता नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को मुझे क्या बनाना है, ऊपर वाले को 0, 0 कैसे बनाए, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई, इससे माइनस, तो 15 - 10 × 3/5, तो ये आ जाएगा 15 - 30/5, 30/5 का मतलब 6, तो मेरे ख्याल से 9 आएगा। फिर ऐसे ही इसको 3/5 से मल्टीप्लाई, 3 - 5 × 3/5, दिस माइनस दिस इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और 0 ही हमें बनाना था।
फिर हमें क्या करना है इसमें, फिर से वही काम, दो माइनस सॉरी पांच माइनस दो इंटू तीन बाय पांच, ये हमारे पास आ जाएगा छ, पच्चीस माइनस छ उन्नीस बाय पांच। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जीरो, तो ये रह जाएगा वन ही, इसको करोगे तो हमारे पास आ जाएगा तीन बाय पांच, और यहां पे तो कुछ नहीं लिखना मिनिमम रेशियो में भी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, हमें लिखना होता था जेड जे, जेड जे लिखने के लिए हम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस, तो आ जाएगा पांच, इसको इससे मल्टीप्लाई कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दो, इसको इससे मल्टीप्लाई सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कुछ भी नहीं, इसको इससे करोगे कुछ नहीं, इसको इससे करोगे तो एक, मेरा आ रहा है पांच दो जीरो एक, चेक कर लेना एक बार, पांच दो जीरो एक, सीजे हमेशा सेम रहता है, सीजे कितना रहेगा हमारे पास पांच तीन जीरो जीरो, वो जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से लिया था ना वही है। फिर भैया हमें क्या चेक करना होता है, छोटा कौन है, ये छोटे वाला देखा, छोटे वाला वेरिएबल देखा, इसकी होगी एंट्री, छोटे वाले की एंट्री, एग्जिटिंग किसकी होगी वो चेक कर लेते हैं मिनिमम रेशियो से। मिनिमम रेशियो से कैसे निकलती है, यहां पे नहीं कुछ नहीं, बी डिवाइड बाय दिस है ना, अरे यही तो करते थे यार, बी ये बी होता था हमारे पास डिवाइड बाय जिसकी एंट्री हो रही है, एंट्री मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा पैंतालीस बाय उन्नीस, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा दस बाय पांच विच इज दो, चेक कर लो एक बार, ये बन रहा ना दस बाय पांच, हाँ ठीक ऐसा कुछ बन रहा मेरा, दस बाय पांच, दस बाय पांच बनेगा क्या, दस बाय दो बनेगा पांच, चेक करना कौन सा वाला छोटा, मेरे ख्याल से यही छोटा ना यार, उन्नीस के टेबल में क्या तीन के आसपास, तीन पॉइंट समथिंग आया, ठीक है मेरे ख्याल से एक आ रहा पांच और एक आ रहा हमारे पास पैंतालीस बाय उन्नीस, तो ये छोटा है इसका मतलब इसकी एग्जिटिंग हो जाएगी, ये चला जाएगा आउट गोइंग वेरिएबल बन जाएगा, आउट गोइंग वेरिएबल, बस हमारा काम खत्म, एक स्टेप रह गया, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक स्टेप रह गया फटाफट उसको निपटाते हैं। तो हमारे पास अब क्या होगा, हाँ तो अब हमारे पास एक स्टेप रह गया, वो क्या है कि इसकी एग्जिटिंग कर दो, इसकी जगह ये ले आओ x2, तो x2 x1, इसका कोफिशियंट था तीन, इसका था पांच है ना। अब ध्यान से सुनना, ऐसे मत लिख देना, इसे हमें क्या बनाना है वन, इसे इसे क्या बनाना है वन, इसे क्या बनाना है जीरो, कैसे बनाए, ऊपर वाला तो बड़ा आसान है यार, पूरी इक्वेशन को 5 बाय 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बन जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा 5 बाय 19 से करोगे तो 9 इंटू 5 बाय 19 तो ये बन जाएगा 45 बाय 19, 45 बाय 19, ये हमारे पास 0 का 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं 45 बाय 19 0 1 5 बाय 19 और 3 बाय 5 इंटू 5 बाय 19 विच इज 3 बाय 19, बस मेरा काम हो गया यहां तक, ये नीचे 19 है। नेक्स्ट में इधर क्या बनाना था हमें, जीरो, कैसे बनाए जीरो, कैसे बनाए जीरो, तो 19 बाय 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि इससे इसमें माइनस करके इससे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो ताकि इससे माइनस करके जीरो आ जाए, तो 2 बाय 5 माइनस 19 बाय 5 इंटू 10 बाय, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हमें सिर्फ 19 को ही तो हटाना ना, तो ऐसे लिख लो 2 बाय 19, ठीक लिखा ना हमने, हाँ 2 बाय 19 से मल्टीप्लाई कर लो, बड़ी मुश्किल से मिला यार, इसका मतलब है हमारे पास बन जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं ठीक है, चलो पहले इसको लिख लिया तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दिस माइनस दिस इंटू 2 बाय 19, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे मैट्रिसेस में करते हैं ना सेम है, इसको इससे माइनस करना है तो 2 माइनस 9 इंटू 2 बाय 19 विच इज 38 माइनस 18 डिवाइड बाय 19 विच इज 20 बाय 19, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 माइनस 2 बाय 19, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, सो ऐसे ही अगर तुम इसे भी सॉल्व करते हो, यहां पे अगर तुम सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 5 बाय 19, एक बार करके देख लेना ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं, इसको तुम करके देख लेना तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जेड जे, जेड जे हमारे पास क्या होता था, जेड जे हमारे पास होता था
इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस, तो पांच। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा तीन। इसको इससे मल्टीप्लाई 15/19, इसको इससे मल्टीप्लाई 10/19, 5/19। इसको इससे मल्टीप्लाई 9, इसको इससे मल्टीप्लाई 25, 9 और 25 हमारे पास होते हैं 34। सारे के सारे पॉजिटिव आ गए, तो ये जो वैल्यू मिली है दीज आर दी आंसर्स। एक्स वन के सामने आ रहा है 20/19, एक्स टू के सामने आ रहा है 45/19, और जेड हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा, विच इज मैक्सिमम जेड हमारे पास आ जाएगा 5 into this प्लस में 3 into 45/19, और बाकी दोनों तो कोफिशियंट 0-0 ही थे। और ये हमारे पास अगर तुम एक बार कैलकुलेट करके देखो तो हमारे पास आ जाएगा 100/19, यह आ जाएगा 135/19, विच इज 235/19, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि तुम्हें यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। सो आज का तुम्हारा होमवर्क ये रहने वाला है, इस वीडियो के बाद, जैसी वीडियो खत्म होती है, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद तुम्हारा होमवर्क ये रहने वाला है, जितने भी अभी हमने ग्राफिकली किए थे उनको भी एक बार सिंप्लेक्स से करके देखना कि आंसर सेम आ रहा है नहीं। बाकी तुम्हारे पे डिपेंड है कौन सा मेथड चूज करते हो, वो तो मुझे पता लगी गया कौन सा करोगे। ड्यूहेलिटी हमारे पास, एक हमारे पास आता है ड्यूअल और एक आता है प्राइमल, ठीक है, इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्राइमल की। तो जो भी हमने इक्वेशन अभी तक देखी थी, AX < B, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है प्राइमल, जहां पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ऑब्वियसली। अगर हम ड्यूल की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है, मिनिमम ऑफ जेड, मान लो मिनिमम की बात हो रही है तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे। और मिनिमम में कैसा साइन आता है मैंने तुम्हें अभी बताया था, इसमें एक न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है W, और मिनिमम में जो हमारे पास साइन आता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, चेंज हो जाएंगे, देखो साइन, साइन हमारे पास चेंज हो चुके हैं, वेर W इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली बात, W आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पे X आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं तुम अगर इससे सॉल्यूशन निकालो या इससे सॉल्यूशन निकालो बात सेम ही है। अगर तुम यार घुमा फिरा के चीजें देखोगे ना यार, ग्राफिकल सॉल्यूशन का अल्टरनेट मेथड सिंप्लेक्स, इसमें भी यही कह रहे हैं तुम सॉल्व करो ग्राफिकल से, चाहे तुम इन इक्वेशन को सॉल्व करो, चाहे तुम इन इक्वेशन को सॉल्व करो, बात सेम ही है। चार चीजें बता दी तुम्हें अलग अलग मैंने, तो और चारों का मतलब एक ही है अगर तुम देखो तो, उसको अगर तुम ऐसे दिमाग खोल के देख पा रहे हो तो एक्चुअल में वही ग्राफिकल मेथड ही एक ही, बट क्या करे, करना तो पड़ेगा, है ना। इसमें क्या आता है कभी कभी ना कन्वर्जेंस आ जाती है, तो कुछ ऐसा है, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं तुम्हारे सामने, जैसे मैक्सिमम ऑफ जेड पी, एक दो ही क्वेश्चन कराएंगे इसके, ज्यादा फिर मैं प्रैक्टिस सेशन में ही लेने वाला हूं। ये हमारे पास मैक्सिमम ऑफ दिस दे रखा है 2x1 प्लस में 3x2 < 8, और नेक्स्ट हमारे पास है x1 प्लस में 2x2 < 5, x1 x2 > 0, ये हमारे पास दे रखा है। इसको हमें चेंज करना है, कैसे चेंज करें, हमें चेंज करना है www में, बड़ा आसान है, w में चेंज करना है ना। तो सबसे पहला काम होता है मिनिमम बन जाएगा, पहले मैक्सिमम था ना, अब मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम ऑफ जेड पी, प्रॉब्लम ही चेंज कर दो, ये वाले कोफिशिएंट्स को हटा दो, ये वाले को ले आओ, 8w1 प्लस में 5w2, प्रॉब्लम ही चेंज कर दी, और इसका कर दो ट्रांसपोज ऐसे कुछ, 2x1 यहां पे आएगा 3x1, यहां लिख दो 1x नहीं आएगा, अब w आएगा, w, तो हमारे पास बनेगा 2w1 1w2, और फिर हमारे पास आएगा 3w1 प्लस में 2w2, भाई 2x2 की मैट्रिक्स, बस तुम्हें ट्रांसपोज लेना है, है ना, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं है। अब यहां पे भैया ये तो लिखो फिर, इसको तो आपने किया नहीं, लेस देन इक्वल टू था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दो, 3 > 5, खत्म हो गया क्वेश्चन, हमने बदल दिया, और w i r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज इट। ऐसे करते हैं, मान लो तुम्हें कभी कन्वर्जन आ भी गई तो ये रही कन्वर्जन, कैसे करिए, मैंने मैक्सिमम को मिनिमम में बदला, ये जो b दे रखा होता था इसको इसके कोफिशिएंट बनाए और x1 x2 को रिप्लेस कर दिया w1 से, पहले इसकी एक मैट्रिक्स बना लो, यहां पे मैट्रिक्स थी 2 3 1 2, इसका ले लो ट्रांसपोज, ये बन जाएगी 2 3 1 2, बस w1 w2 लिख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही था हमारे पास, और कुछ नहीं था इस मेथड में, मुश्किल लगा क्या,
मुश्किल लगा तो फिर एक बार तीन वाला करा ही देता हूं, इतना फिर रोने ही लग गए हो तो। एक और क्वेश्चन करते हैं, बस बिल्कुल बेसिक सी चीज है यार, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज फॉर मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 - x2 + x3, ऐसा कुछ, ठीक है। और जहां पे 4x1 - 2x2 < 10, और नेक्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है x1 + x2 + x3 < 12, और x1 + x2, या फिर ऐसे लिख लो इसे x1 - x2 < 6, ऐसा कुछ, ठीक है। और x1 x2 x3 > 0, ये हमारे को दे रखा है। चेंज करो इसे, ड्यूल में चेंज करो, बड़ा आसान है। मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज जेड, 3 की जगह 10, माइनस के 12 w2 प्लस में 6 w3, खत्म। एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स का बनेगी 4 - 2 0, क्योंकि है ही नहीं यहां पे कोफिशियंट, 1 1 1, यहां क्या आ जाएगा 1 - 1 0। ट्रांसपोज कर दो इसका, ट्रांसपोज कुछ ऐसा आएगा 4 - 2 0 1 1 1 1 - 1 0। अब W में लिख दो इसे, W में कैसे लिखेंगे, 4 w1 + w2 + w3 - 2 w1 + w2 - w3, 0, या ऐसे लिख दो w2, क्योंकि बाकी तो दोनों है ही नहीं, तो आ जाएगा < पहले लेस देन ही था ना, मिनिमम के लिए > > > > > क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 3 - 1 3 - 1, ये आंसर आ गया हमारे पास। बस इतना ही था, ये 3 - 1 1, देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। वहां पे w1 w2 w3 हमारे पास क्या रहने वाले हैं, > 0, ठीक है भैया। अगर मान लो, अब करके दिखाओ, तो माने ऐसे कैसे निकल रहे हो, हमारे दिमाग में काउंटर ऑप्शन आते हैं, अब करके दिखाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस में, और ये भी आ जाएगा माइनस में, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइन चेंज हो जाता है, लो कर तो दिया, समझ रहे हो, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज, अब सेम कर दो, यहां पे कितना था पहले, यहां पे माइनस साइन पहले ही था ना, यहां पे आएगा एक और -12, मतलब 12 लिखा था ना पहले हमने, उसकी जगह आ जाएगा -12, तो ये +12 हो जाएगा, खत्म। तो जब भी तुम्हें अलग अलग साइन दिखे, जैसे मान लो यहां पे मिनिमम आता, मिनिमम के साथ ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता, मिनिमम x1 + 12 x2, ऐसा कुछ दे दिया, और इक्वेशन दे दी है x1 + x2 > 6, x1 - x2 < 2, ऐसा कुछ दे दिया, एक लेस देन एक ग्रेटर देन है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे कुछ बन जाएगी। अब ये इक्वेशन अपने काम की नहीं है, अब चेंज कर दो, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 6 w1 - 2 - 6 w1, कुछ गड़बड़ कर यार हमने, हाँ यहां पे +12 ही आना चाहिए था पहले, ठीक है, मैंने यहां पे साइन गलती से ले लिया है, वो +12 ही आना चाहिए था, चेक कर लेना यार, यहां पे 12 ही था ना, पॉजिटिव का 12 था ना पहले, तो मेरे को यहां पॉजिटिव ही लिखना चाहिए था, इसे एक बार करेक्ट कर लो, वो थोड़ा जोश में हम आगे निकल गए, कर लिया चेंज, पक्की बात है, फिर ठीक है। अब अगर हम यहां पे ये वाला क्वेश्चन लेते तो यहां -12 ही आना चाहिए, तो वही तो मैं सोचूं, कुछ ना कुछ तो फंस रहा है यहां पे, 6 w1 2 w2, वो भी प्लस का, यहां पे अगर हम देखें तो इसकी अगर तुम चेंज कर दोगे तो आ जाएगा w1 - w2, क्योंकि ये वाला कोफिशियंट इधर आ जाता है, और +w2, > = में चेंज हो जाएंगे, यहां आएगा 1 और -12, वो मैंने गलती से ना यहां का साइन यही रख दिया, लेकिन साइन भी लेके जाना होता है, कोफिशियंट पूरा का पूरा लेना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिसको हमें करना था, तो आई होप कि तुम्हें सारी चीजें समझ भी आई होंगी और बढ़िया से आई होंगी समझ, है ना। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं तुम्हें ना, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन क्या होते हैं भैया, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया और वो चाहते हैं तुमसे ना हो, लेकिन हम भी होशियार, हम भी बुक्स पढ़ के आए हैं, तो
मान लो किसी में तो उन्होंने लेस देन दे दिया, किसी में ग्रेटर देन दे दिया, और एक में इक्वालिटी दे दी, इक्वल का भी साइन दे दिया, फिर क्या करें? फिर तो फंस जाएंगे भाई हम। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, एक बात बताओ, मान लो तुम्हें मैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहूं, क्या करते? सॉल्यूशन वैसे ही निकलते इसके, ये जो इक्वेशंस हमने न्यू बनाई थी ना, इनके सॉल्यूशन वैसे ही निकलते, वो ग्राफिकल या सिंप्लेक्स, वो तो मुझे पता है तुम ग्राफिकली करोगे, लेकिन वैसे ही निकलते इसके सॉल्यूशन। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे, अब ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, लेस देन भी दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन दे दिया, इक्वल का भी साइन दे दिया, तो पहले इनका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसे इक्वेशन कुछ ऐसे तब्दील हो जाएंगी, x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 6, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x2। इन्होंने कहा है x1 को तो तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, लेकिन x2 कुछ भी हो सकता है, x2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है ये, ठीक है? तो इसकी जगह मुझे चेंज करना है, पहले तो इसकी मैट्रिक्स बना लो, 1-3 -1 -1 -2 -2, इसके अगर मैं ऐसे ट्रांसपोज कर दूं तो 1-1 2, मार्कर बदल लेते हैं, 1-1 2 -3 -1 -2, ऐसा कुछ बनेगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशंस को, तो ये बन जाएगा मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू, इसको लिखना है 5w1 प्लस में 6w2 प्लस में 3w3, ऐसा कुछ बना। उसके बाद इसके साथ w1 w2 w3, w1 माइनस के w2 प्लस में w3 माइनस के 3w1 माइनस के w2 माइनस के 2w3, ऐसा कुछ बना हमारा। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास मिनिमम है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आने वाला है, और कौन से वेरिएबल्स आ जाएंगे, ये वाले 2 और -1, यहां तक तो कोई इशू नहीं आ रहा होगा तुम्हें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आती है भैया, ये बताओ इसमें तो आपने बोल दिया x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहां तो 3 वेरिएबल है w1 w2 w3, इसमें कौन सा अनरिस्ट्रिक्टेड होने वाला है? तो यहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड आता है, जिसमें भी इक्वालिटी का साइन आ जाए वो अनरिस्ट्रिक्टेड। ये मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिक में नहीं जाने वाला हूं, थ्योरम्स इसमें नहीं करा रहा हूं, ठीक है, प्रूफ वगैरह बस इसमें याद रख लो, जिसमें इक्वालिटी वो अनरिस्ट्रिक्टेड। भाई साहब एक लेसन देके जा रहा है वैसे ये तुम्हें, इसीलिए इक्वालिटी करा करो हर जगह। तो W1, W2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, लेकिन W3 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए हमारे पास W2, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, जिसके साथ इक्वालिटी उसके साथ अनरिस्ट्रिक्टेडनेस बढ़ती जाएगी। आई होप कि तुम्हें यहां तक चीजें समझ आई होंगी और मजा आया होगा आज के सेशन में, यही था हमारे पास एलपीपी में, और वो हंगेरियन प्रॉब्लम, सही बोला ना मैंने प्रोनंसिएशन, और असाइनमेंट प्रॉब्लम, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, एक बनाएंगे अभी थोड़ा सा गैप देके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे को ये कराना भी जरूरी था। सो आई होप कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना, और मैं भी ये फेस वॉश करके आता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।